जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक वाक्या पेश आया। साइड पे आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इस वीडियो को ज़रा आपने मुलाहिज़ा करना है कैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ये देखें दोस्तों, जिसके अंदर अभी तक की जो इतलात आ रही है, इस इतला के मुताबिक तकरीबन तो 25 से 30 अफराद हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। ये देखें दोस्तों, ये ईद पिकनिक की बात थी, ये ईद इन्होंने ईद के लिए बुक की हुई थी, तो कोई वहाँ के कॉलेज के लोग थे, पता यूनिवर्सिटी के थे, वो जा रहे थे पिकनिक के लिए, तो रास्ते में ये वाक्या पेश है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब बताया ये जा रहा है, फिलहाल की जो इतला रही है कि 25 से 30 अफराद है जो इस दुनिया से चल बसे हैं। खुशियाँ मनाने जा रहे थे क्योंकि खुशी का दिन था, पिकनिक वगैरह के लिए जा रहे थे, किसी लोगों की तो फैमिली भी साथ थी, और आगे से ये वाक्या हो गया। तो अल्लाह पाक ऐसे वाक्य से हर किसी को बचाए। तो प्लीज़ ईद के दिन जो खुशी के दिन होते हैं ना, उसको एहतियात के साथ गुजारें, खुशी के दिन को ज़्यादा इंजॉय ना करें, वरना अल्लाह माफ़ करे, रिजल्ट ऐसे भी आ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक जो जख्मी है उनको बहुत जल्दी सेहत याब करे। कमेंट में हमें लिखें, को राय देना चाहते हो तो वो भी दे सकती हो। अल्लाह हाफिज़।